हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं एक वीडियो देखी हूँ और वीडियो में उनकी मम्मी का इंटरव्यू हुआ है। तो उनकी मम्मी बता रही हैं, ममता चौहान की मम्मी बता रही हैं कि उनको बवासीर हुआ था और 6 महीने से उनको टाइफाइड बुखार हो रहा था तो 2 बार ब्लड टेस्ट करवाए थे तो उसमें टाइफाइड ही दिखा रहा था। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बुखार से तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बवासीर से तो मुझे नहीं लगता है, फिर भी हो सकता हो गया होगा। तो दोस्तों, उनके बताने से तो यही लग रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं बता दूं कि उन लोग बहुत गरीब परिवार से थी हूँ और उनके फैमिली वाले बहुत गरीब हैं, मतलब घर भी देखी वीडियो में और मम्मी की हालत भी देखी। तो देखने से पता चलता है कि इंसान कैसा है। और आप लोग को पता ही है कि जब कोई गरीब परिवार से कोई आगे बढ़ता है तो या तो उसको मरवा दिया जा रहा है आजकल के ज़माने में, या तो भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। चलो भगवान को प्यारे हो जाए ठीक है, लेकिन एक मरवाना भी गलत बात है। और लेकिन ममता चौहान के साथ तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो अपने मौत से मरी हैं, अपनी बीमारी से मरी हैं। तो बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, तो गलत अफवाहें हैं, क्योंकि मम्मी के बयान से तो मुझे लग रहा है कि सब सच है जो मम्मी बता रही हैं उनकी, कि उनको जैसे बाथरूम होती थी तो ब्लीडिंग होता था खाली, तो उसके भी वजह से हो गया होगा। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? मतलब ये गलत है कि उनके साथ मतलब किसी ने कुछ किया है, या मतलब अपनी बीमारी से मरी हैं? तो और भी उनके घर में मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब 6 महीने उनकी भाभी का डेथ हो गई थी और पापा भी एक्सपायर हो गए थे, अभी ये भी एक्सपायर हो गई हैं। सब बता रहे हैं कि मतलब उनके घर में कुछ ऊपरी चक्कर है, ये भी हो सकता है। मैं तो मानती नहीं हूँ, पर हो भी सकता है, होता है शायद, तो यही सब हुआ होगा। तो क्या बताएं दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे गरीब लोगों को तो सरकार को मदद करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जिसके घर में कोई नहीं रहता है और बेचारी और अपनी गरीबी दूर करने के लिए इतना मेहनत कर रही थी, इतना अच्छा काम कर रही थी, और जैसे आगे बढ़ने आई वैसे उनके साथ ऐसा हो गया। तो दोस्तों क्या बोले, अभी बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख हो रहा है ऐसा सब देख के। बहुत एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है अब माँ ही जानती होंगी। और बेचारी शादी करने वाली थी महादेव चौहान के साथ, वो भी बेचारा बहुत परेशान है उनको लेकर। क्या बोल रहे हैं, अब वीडियो देख देख के खाली रोना आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है दोस्तों। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा। बहुत मैं तो ऐसी वीडियो सब जैसा कुछ हो जाता है तो मैं तो दिन भर एकदम परेशान रहती हूँ, एकदम टेंशन आ जाता है। सब अपने भी बच्चे हैं, हम लोग भी किसी के बच्चे हैं, कभी हम लोग के साथ हो जाएगा तो मम्मी कैसी रहेंगी। भगवान ना करें किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, किसी का माँ के साथ ऐसा हो। बहुत दुख हो रहा है अभी, क्या बात। तो दोस्तों, वीडियो तो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना। तो बाय बाय दोस्तों।